अब राहत जो है इसको कहा जा सकता है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रोहतक में एक तरफ किसान और मजदूरों का प्रदर्शन चल रहा, दूसरी तरफ तेज बारिश के बीच प्रदर्शन अभी भी जारी है। तो उधर तेज बारिश से कहीं ना कहीं किसानों का धरना प्रदर्शन पर भी काफी असर पड़ सकता है, और उसी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। किसान जो है बारिश के बीच भी डटे हुए हैं। दरअसल मनीष ग्रोवर के घर के बाहर प्रदर्शन लगातार जारी है, और इसी बीच तेज बारिश ने कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को फीका करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन दूसरी तरफ किसान जो है लगातार मुस्तैदी से डटे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किसान लगातार मनीष ग्रोवर के घर के बाहर हैं, और इसी बीच तेज बारिश ने पूरे इस प्रदर्शन को भी फीका करने की कोशिश की। जितेंद्र पांचल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता रोहतक से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र बताएं, किसान लगातार डटे हुए हैं, दूसरी तरफ तेज बारिश भी शुरू हो गई है। हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो किसान डटे हुए हैं, एक तरफ जो है किसान है, दूसरी तरफ जो है पुलिस है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे दर्शक देख सकते हैं कि तमाम जो जो आमने सामने किसान है, बैरिकेड्स हालांकि किसानों ने तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन भारी बारिश चल रही थी उस दौरान, जो किसान जो बैरिकेड्स की तरफ तोड़े तो तुरंत पुलिस सामने से आ गई। और आप ये नजारा देख सकते हैं हमारे दर्शक, भारी पुलिस है, एक तरफ जो किसान जो है लगातार जो है नारे लगा रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, मनीष ग्रोवर के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये मनीष ग्रोवर यहाँ पर अगर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, अन्यथा हमारा धरना ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि आज धरने का दूसरा दिन है। और दूसरे दिन के हालात, हालांकि ऊपर से बहुत तेज बारिश आई, बारिश के बीच किसानों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की थी, उसके बाद कुछ किसानों ने रोकने की कोशिश की, तब जाकर के जो है बैरिकेड को वहां उतर गया। हालांकि जो अलग से जो पुलिस बुलाई गई थी, कल यहाँ पर बुलाया गया था, वो भी यहाँ पर पहुंचा और भारी संख्या में पुलिस यहाँ पर पहुंची। अब यहाँ की तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं कि लगातार जो है किसान नारे लगा रहे हैं भारी बारिश के दौरान। हालांकि अब बारिश थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन किसानों का जो उत्साह है वो और तेज होता जा रहा है। अब दूसरी तरफ की अगर किसी बात दिखाना चाहूंगा तस्वीरें, तो नीचे की तस्वीरें यहाँ पर जो पानी जो है लबालब जो सड़क पर भर चुका है, और जो है देख सकते हैं कि जो किसान जो पानी के अंदर खड़े हैं, पुलिस भी यहाँ पर जो खड़ी है। जी बिल्कुल जितेंद्र, दूसरी तरफ ये भी पहले खबर आई थी कि 26 किसानों की एक कमेटी बनी थी, और ये कमेटी जो है बातचीत करने जाने वाली थी, इसको लेकर कोई जानकारी? हाँ बिल्कुल, कमेटी जो 26 लोगों की जो किसानों ने जो कमेटी बनाई थी, उसकी लिस्ट जो है प्रशासन को सौंप दी है, और प्रशासन जो पूर्व सहकारिता मंत्री है उससे बातचीत करेगा। उसके बाद जो है जो 26 जो लोगों जो किसान है उनकी जो कमेटी है वो पूर्व सहकारिता मंत्री से बात करेगी, और उन्हें सार्वजनिक तौर पर आश्वासन देगी कि यहाँ पर किसी तरह की कोई हालात जो है ठीक रहेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मनीष ग्रोवर यहाँ पर आ सकते हैं और जो है सार्वजनिक तौर पर माफी मांग सकते हैं। लेकिन फिलहाल की अगर तस्वीरें देखें तो यहाँ बैरिकेड तोड़ने की कोशिश थी, किसान जो है अंदर जाने की कोशिश में थे, तब जाके पुलिस आई और उन्होंने जो है उनको रोका है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो रोहतक में लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, और उसी बीच भारी बारिश ने किसानों के मंसूबे पर पानी फेरने की कोशिश की, लेकिन किसान अभी भी डटे हुए हैं। 26 लोगों की एक कमेटी जो है उसका गठन किया गया है, और वही 26 लोग अब मनीष ग्रोवर से बात करेंगे, और हो सकता है कि उसके बाद मनीष ग्रोवर जो है सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, जिसकी मांग किसान संगठन लगातार कर रहे हैं। अलग अलग 26 संगठनों के अलग अलग लोगों को इसमें शामिल किया गया है इस कमेटी में, और वो तमाम लोग जो हैं वो